सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने की यूपी समेत 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा। यूपी में प्रस्तावित है 53,000 करोड़ का निवेश। दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल की तारीफ की, कहा हवा पत्ते गिराती है लेकिन पेड़ से रिश्ता खत्म नहीं होता। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर जीतन राम मांझी का बयान, बोले राम से ज्यादा कर्मठ रावण, उन पर अन्याय हुआ, राम काल्पनिक पात्र। गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दे रहा आरएसएस, भागवत बोले अलग तरह से पूजा करनी नहीं होनी चाहिए दुश्मनी का कारण। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे पीएम। आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा, बोले मुंबई में हुआ 207 करोड़ का स्ट्रीट फर्नीचर घोटाला, साथ ही सरकार को असंवैधानिक करार दिया। जजों की नियुक्ति पर सदन में बोले कानून मंत्री किरेन रिजिजू, कहा आम तौर पर नहीं ली गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान, बोले 1253 रेलवे स्टेशनों को साल 2023-24 के वित्त वर्ष के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस 20 मार्च को करेगी पहली लिस्ट जारी, डीके शिवकुमार बोले नहीं करेंगे गठबंधन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात, विशेष राज्य का दर्जा देने और कई लंबित मुद्दों पर तेजी से काम करने की अपील की। ओवैसी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर कसा तंज, पीएम मोदी के शासन में भी गर्व करने वाला हिंदू नहीं मिल पा रहा। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की, विपक्षी नेताओं पर झूठे मामलों के आरोप पर मांगा जवाब। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा केजरीवाल के घर पर रची गई थी शराब घोटाले की साजिश, सत्येंद्र जैन भी थे मौजूद। २०२४ आम चुनाव से पहले ममता अखिलेश ने बनाया नया मोर्चा, इसमें बीजेपी कांग्रेस को जगह नहीं, नवीन पटनायक शामिल हो सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का राहुल पर तंज, बोले नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस चुनाव हारने पर कहती है लोकतंत्र खत्म हो गया। अराजकता पैदा करने वाले बिजली कर्मी होंगे सूचीबद्ध, सीएम योगी बोले जनता को दिक्कत ना होने पाए। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, भावुक होकर श्री राम लिखी शिला को अपने सर पर रखकर जय श्री राम का उद्घोष किया। ४९६ अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी, 13 विभागों में सफल अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। निवेश को लेकर सीएम योगी का बयान, कहा लखनऊ और हरदोई के बीच 1,000 एकड़ में बनेगा यूपी का मेगा टेक्सटाइल पार्क।
आजमगढ़ पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राज पर कहा 2024 के चुनाव में दिल्ली में हम भी लहराएंगे झंडा। बाबा के दरबार में सीएम योगी, काशी में दिखा सीएम का अलग अंदाज, कहीं बच्चों को बांटी टॉफी तो कहीं बच्चों के सर पर हाथ फेरा। महिला कृषकों से संवाद करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मेरठ की कृषि यूनिवर्सिटी में 19 मार्च को होगा हुनर से रोजगार समारोह। यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, असंवैधानिक, सख्त हुई सरकार, संविदा कर्मियों की सेवाएं होंगी समाप्त। सीएम योगी से मिलने को पैदल निकले शाहजहांपुर से समाज सेवी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, हरदोई पहुंचकर डीएम से की मुलाकात। यूपी में कोल्ड स्टोरेज हादसे में 14 की मौत, 30 घंटे तक चला रेस्क्यू, 4 लोग गंभीर, घायलों का हाल जानने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी में मजदूर किडनैप, 1 लाख फिरौती मांगी, 9 दिन पहले हुआ लापता, मां बोली पैसा कमाने के लिए गया था। बिजली हड़ताल से 30 लाख लोग परेशान, 35 घंटे में कई जिलों में 80% आपूर्ति प्रभावित, 500 से ज्यादा संविदा कर्मचारी बाहर। यूपी में 33 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट, ललितपुर में इतने ओले गिरे कि परत जम गई और 5 हुए घायल। पुलिस कस्टडी में आरोपी ने बनाई रील, हाथ में हथकड़ी लगाए सिगरेट पी, एसपी ने साथ में बैठे सिपाही को किया निलंबित। गोरखपुर में 25 गौवंश की हत्या, काटकर मांस उठा ले गए कसाई, हड्डियां चमड़ा और अवशेष खेतों में फेंका। बरेली में मुनीष की मौत से सदमे में परिवार, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के आईसीयू इंचार्ज की पत्नी से हुई थी आखिरी बार बात। धर्मांतरण मामले में कानपुर में एक और एफआईआर, रावतपुर की थारू बस्ती में किडनी बदलवाने और इलाज के नाम पर धर्मांतरण की कोशिश। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में देवर भाभी और बच्चे की मौत, ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहे थे तीनों। बरेली जेल प्रकरण में अशरफ के 3 गुर्गे अरेस्ट, अतीक के भाई से जेल में बिना आईडी के करते थे मुलाकात। कन्नौज में दीवार को तोड़ते हुए घर में घुसा ट्रक, घर में सो रही महिला की कुचलने से हुई मौत, 2 लोग घायल, ट्रक छोड़कर भागा चालक। शहीद राघवेंद्र के घर पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, परिजनों से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदना। राहुल गांधी के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले प्रदेश की जनता इसका मुंह तोड़ जवाब समय आने पर देगी। मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, हाईवे पर ट्रैक्टर ने मारा था टक्कर, मंत्री कपिल देव ने एस्कॉर्ट से भेजा था अस्पताल। सुल्तानपुर पुलिस ने शिक्षक नेता को किया गिरफ्तार, सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। सीतापुर में गाली देने का विरोध करने पर महिला की हत्या, भाइयों ने सीने में मारी गोली, पति को बचाने में हुई घटना का शिकार।
बागपत में छोटे भाई को मारकर पूरी रात रोता रहा हत्यारोपी युवक, बोला साहब जिंदगी भर रहेगा पछतावा। बदायूं में मंदिर की खुदाई में निकली मूर्ति, खाटू श्याम का लोगों ने लगाया जयकारा, टेंट लगाकर की जा रही पूजा अर्चना। रेल की पटरी पर मिला रिटायर्ड रेल कर्मचारी का शव, परिजन बोले झांसी से विदिशा लौट रहे थे, पता नहीं ट्रेन से कैसे गिर गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र और पुलिस के बीच हाथापाई, साइंस फैकल्टी के मेन गेट पर बने दीवार को छात्रों ने ढाया। बागपत पुलिस ने दो पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, कैंटर में तस्करी के लिए 11 पशु ले जा रहे थे, मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के सीएम धामी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले जनता द्वारा नकारे जाने के उपरांत विपक्ष पूरी तरह निराशा के भाव से घिर चुका है। उत्तराखंड में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, कांग्रेस पर लगाया स्पीकर के अपमान का आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, मरीजों से बात कर जाना हाल। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई ठंड, बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी। उत्तराखंड में लगेगा जोर का झटका, प्रदेश में 1 अप्रैल से 12% तक महंगी हो सकती है बिजली। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू, 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कालिंदी अस्पताल को सूची से हटाया, 243 मामलों में फर्जी साइन कर मांगा क्लेम। उत्तराखंड में 6 साल से फरार हत्या और गैंगरेप का इनामी आरोपी नेपाल सीमा से गिरफ्तार, छिपकर बिहार में ली थी शरण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को किया तलब, पूछा सरकार बताए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या किया है। उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी में ओलावृष्टि, मैदान में बारिश और बर्फबारी से लिपुलेख सड़क बंद, 10 वाहन फंसे। उत्तराखंड में एनएच किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, धारा 144 लागू, पूर्व विधायक ठुकराल समेत कई को हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड नीलांग घाटी में चहलकदमी करते दिखा हिम तेंदुआ, बीआरओ के मेजर ने कैमरे में कैद किया। उत्तराखंड में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, साथ में बनी झोपड़ियां भी जली, कई वाहन भी आए चपेट में। फर्जी आदेश को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त आदेश से, 7000 बीघा जमीन के फर्जीवाड़े में सीबीआई ने 5 पर दर्ज किया केस। उत्तराखंड में पहली बार परिवार संग महासू देवता मंदिर पहुंचे खलीली आशीर्वाद, देखने वालों की लगी भीड़। पीएम मोदी के लिए डिनर होस्ट कर सकते हैं बाइडेन, जून में योग दिवस पर अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी।
अमेरिका से लड़ने के लिए उत्तर कोरिया के 8 लाख लोग सेना में भर्ती होने को तैयार, इनमें ज्यादातर छात्र शामिल। मरियम नवाज ने पीटीआई को बताया आतंकी संगठन, कहा इमरान खान है आगा जो गुफाओं से देते हैं ऑर्डर। WHO ने लगाई कड़ी फटकार, कहा दुनिया के सामने आना चाहिए सच, चीन ने अब तक कोरोना डेटा का क्यों खुलासा नहीं किया। फ्रांस में पेंशन बिल पास, रिटायरमेंट एज 2 साल बढ़ाई गई, वही मैक्रो सरकार ने बिना वोटिंग पारित किया, नाराज लोगों का प्रदर्शन हुआ तेज। पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोली यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराधी। अमेरिका के 56 बड़े शहरों की आबादी लगातार घट रही, छोटे कस्बों बाहरी इलाकों में बस रहे हैं लोग, वहीं शहरों का रेवेन्यू घट रहा। कोहिनूर की प्रदर्शनी लगाएगा ब्रिटेन का शाही परिवार, जीत के प्रतीक के तौर पर रखा जाएगा, मुगलों से सिखों तक का इतिहास दिखेगा। अफ्रीका में फ्रेंडी तूफान से 400 लोगों की मौत, 3 देशों में बारिश और लैंडस्लाइड से 88,000 लोग बेघर। नित्यानंद के कैलासा ने 30 अमेरिकी शहरों से धोखाधड़ी की है, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया जबकि कैलासा नाम का कोई देश है ही नहीं। सोना चांदी में शानदार तेजी, 58,000 के पार निकला सोना। ग्लोबल बैंकिंग संकट के बीच आरबीआई गवर्नर की चेतावनी, बैलेंस शीट के संतुलन पर ध्यान दे भारतीय बैंक। टाटा ग्रुप नहीं खरीदेगी बिस्लरी, डील को लेकर टाटा कंज्यूमर ने बातचीत बंद की, भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी है बिस्लरी। सैमसंग गैलेक्सी A54 और गैलेक्सी A34 भारत में लॉन्च, 5G स्मार्टफोन में 32 MP सेल्फी कैमरा और 5000 mAh की बैटरी। अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां NSE की निगरानी से हुई बाहर, अडानी इंटरप्राइजेस पावर और विल्मर को सर्विलांस से हटाया। ब्रिटेन में टिकटॉक पर लगा बैन, मंत्री और अफसर नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, अमेरिका में भी इस ऐप पर बैन की तैयारी पूरी। ACC अंबुजा सीमेंट के मालिक को लेकर अडानी ग्रुप की सफाई, कहा प्रमोटर ग्रुप में शामिल है विनोद अडानी। मारुति ने लॉन्च की देश की सबसे पहली CNG सब कॉम्पैक्ट SUV, 1 किलो CNG में 25.51 किलोमीटर चलेगी ब्रेजा। अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा अगर किसी से गलती हुई है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार में 2.397 अरब डॉलर की कमी, 3 महीने से अधिक समय के निचले स्तर पर पहुंचा। मियामी ओपन में नहीं खेलेंगे जोकोविच, कोरोना वैक्सीन नहीं लगाने पर अमेरिका में नहीं मिली एंट्री। सचिन तेंदुलकर ने BCCI अध्यक्ष बनने के सवाल को लेकर सौरव गांगुली के लिए चुटकी, कहा 150 की स्पीड से गेंदबाजी नहीं कर सकता।
केन विलियमसन ने की विराट कोहली की बराबरी, हेनरी निकोलस के साथ मिलकर इतिहास भी रचा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने लिया संन्यास, मुश्किल समय पर संभाली कंगारुओं की कमान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई में पहले वनडे का लुत्फ लेते दिखाई दिए सुपरस्टार रजनीकांत, वायरल हुई तस्वीर। काउंटी क्रिकेट खेलेंगे अर्शदीप सिंह, केंट ने 5 मैचों के लिए बुलाया, जून और जुलाई में भी होंगे सभी मुकाबले। ग्यारह साल बाद वानखेड़े में वनडे जीता भारत, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया, राहुल के 50, जडेजा के साथ जोड़े नाबाद 108 रन। लगातार दूसरे साल ऑल इंग्लैंड के सेमीफाइनल में गायत्री और त्रेसा, ऐसा करने वाली पहली भारतीय जोड़ी, चीन की मेई और जुआन को हराया। कड़ी आलोचना के बाद वेंकटेश प्रसाद ने केएल राहुल को किया सलाम, कहा दबाव में संयम वाली शानदार पारी। अगस्त 2023 में आयरलैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया, क्रिकेट आयरलैंड ने कहा गर्मी में मनाएंगे जश्न। प्रीति जिंटा ने शेयर किया बेटे का क्यूट वीडियो, फैंस बोले ये तो छोटी सी उम्र में ही घर के काम सीख रहा है। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे पर भड़के नॉर्वे एम्बेसडर, कहा फिल्म में दिखाए फैक्ट्स गलत है, नॉर्वे के बारे में गलत नैरेटिव बनाया जा रहा। नहीं रहे मराठी के जाने माने एक्टर भालचंद्र कुलकर्णी, 88 साल की उम्र में हुआ निधन। जॉन विक फेम एक्टर लॉन्स रेडिक का हुआ निधन, 60 साल की उम्र में अभिनेता ने ली अंतिम सांस। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मिशेल यो के सर पर चढ़ा आमिर खान का नशा, खुद को बताया मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बड़ी फैन। गैसलाइट के प्रमोशन में पहुंची सारा अली खान, चित्रांगदा सिंह के साथ दिए पोज, कैजुअल लुक में दिखे विक्रांत मैसी। बहन अलाना की शादी में अनन्या पांडे ने किया डांस, भाई और पापा चंगी पांडे के साथ सात समंदर पार गाने पर लगाए ठुमके। केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, मनोज वाजपेयी को बताया था चर्सी और गंजेड़ी। टीवी के महादेव के घर में लक्ष्मी ने लिया जन्म, मोहित रैना की वाइफ अदिति शर्मा ने दिया बेटी को जन्म। ठग सुकेश चंद्रशेखर पर बनेगी फिल्म, 6 महीने के लिए दिल्ली में रहेंगे फिल्म के मेकर्स, स्कैम और अफेयर्स पर बेस्ड होगी पूरी कहानी। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए प्राइम टीवी।